यशु प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए आज के खास सबत के दिन के लिए जो परमेश्वर का ठहराया हुआ दिन है सबत का दिन है सैटरडे का दिन शनिवार का दिन सबत का दिन है आठ परमेश्वर ने छः दिनों में सारी पृष्ठ पृथ्वी की स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है जीवित और अजीवित सब कुछ बनाया और सातवां दिन परमेश्वर ने अपने कामों से विश्राम किया यानी काम ख़त्म कर दिया और सातवां दिन जो शनिवार का दिन है जिसे हम सबत कहते हैं परमेश्वर ने उसे पवित्र ठहराया और आशीष दी और उतना ही नहीं है ये आज्ञाओं में से सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा बन गई देखेंगे हम बीस अध्याय निर्गमन का और उसमें आठ पद में बीस अध्याय निर्गमन की पुस्तक पुराने नियम में है नए नियम में नहीं होगी निर्गमन की किताब उसका बीस अध्याय उसका आठ पद लिखा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना छह दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहुआ के लिए विश्राम दिन है उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना और न तेरा बेटा न तेरी बेटी न तेरा दास न तेरी दासी न कोई पशु न कोई परदेशी तेरे फाटकों के भीतर हो क्योंकि छः दिन में यहुबा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और सातवें दिन विश्राम किया इस कारण यहुबा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया ये दस आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा है जो बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा है और इसराइली लोग यहूदी लोग इस आज्ञा को बहुत बहुत ही सीरियस लिया करते थे और बहुत इतना ज़्यादा सीरियस लेते थे जिसकी कोई हद नहीं है बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते थे तो आज्ञा तोड़ने वाले को दंडित किया करते थे गिनतियों की किताब और इसका पंद्रह अध्याय मूसा की शरीयत कहलाती है ये मूसा का कानून है और मूसा का दिया हुआ कानून तोड़ने वाले के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था सोचिए दस आज्ञाओं को तोड़ने का मतलब मृत्यु दंड है यह शरीयत थी लॉ ऑफ शरिया मूसा की शरिया का कानून पंद्रह अध्याय में निर्गमन के लिखा है बत्तीस पद से एक घटना का जिक्र है जब इसराइली जंगल में रहते थे यानी जब वो लोग मिस्र देश से निकलकर बाहर आ रहे थे उन दिनों में एक मनुष्य विश्राम दिन के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला वो मतलब खाना बनाने के लिए लकड़ी बीन रहा होगा और किसके लिए लकड़ी बीनेगा जंगल में तो लकड़ी बीनते हुए वो पकड़ा गया और जिनको वो लकड़ी बीनता हुआ मिला वे मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले आए उन्होंने उसको हवालात में रखा क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वो प्रकट नहीं किया गया था तब यहुवा ने मूसा से कहा वो मनुष्य निश्चय मार डाला जाए सारी मंडली के लोग सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथराव करें इस प्रकार जैसा यहुवा ने मूसा को आज्ञा दी थी उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी के बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वो मर गया सोचिए कितना कठिन है व्यवस्था को मानना और व्यवस्था यीशु मसीह की व्यवस्था दूसरी है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने व्यवस्था को हमारे लिए पूरा कर दिया ताकि हम इस व्यवस्था के अधीन न रहें हम आत्मा के अधीन रहें व्यवस्था के अधीन नहीं प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में 2000 साल पहले काम कर रहे थे लोगों के बीच में तमाम बीमारों को चंगा कर रहे थे अंधों की आंखें खोल रहे थे बहरों के कान गूंगे को ज़ुबान लगड़े को चलाना गूंगे की ज़ुबान खोलना कोहड़ी को शुद्ध करना मर्दों को जिंदा करना ये सारे काम कर रहे थे वो ट्वेंटी फोर आवर सेवन करते थे चौबीस घंटे और सातों दिन काम करते थे कोई दिन बकाया नहीं था जिस दिन यीशु मसीह काम न करते हों और इस बात को उस जमाने के जो फरीसी थे जो मूसा की शरीयत को बड़ी सख्ती के साथ लागू किया करते थे वो यीशु के पीछे पड़ गए वो ये देखने लगे कि यीशु मसीह शरीयत को तोड़ता है कि नहीं अगर वो शरीयत के कानून को तोड़ता है तो निश्चय उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए ये फरीसी जो धर्म के ठेकेदार उस ज़माने में थे यीशु के पीछे लगे हुए थे मत्ती रचित सुषमाचार उसका बारह अध्याय उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे फरीसियों ने यह देख कर उससे कहा देख तेरे चेले ये वो काम कर रहे हैं जो सब के दिन करना उचित नहीं है यीशु मसीह को चेक कर रहे हैं कि सब्त के दिन तुम्हारे चेले गेहूं की बालें तोड़ रहे हैं। इन्हें कोई काम नहीं करना चाहिए सब के दिन इन्हें प्रभु की उपस्थिति में बैठना चाहिए प्रार्थना में बैठना चाहिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए और इसके बजाय ये लोग खेतों में बालें तोड़ रहे हैं ये बहुत बड़ा अपराध है यीशु मसीह से बोल रहा हूँ येशु मसीह ने उससे कहा क्या तुमने नहीं पढ़ा अपने उस तोरा में क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो और उसके साथी भूखे हुए थे तो क्या किया था यानी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में दाऊद भविष्यवक्ता था सबसे बड़ा भविष्यवक्ता ये लोग मानते थे मूसा के बाद वो कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों पर केवल याजकों को उचित था या फिर या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ जो यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम सब्त के कानून को समझ नहीं पा रहे हो तुम किससे बात कर रहे हो यहां वो है जिसने शब्द का कानून तुम्हें दिया है जो देने वाला कानून का है वो उससे ऊपर है और जिस मंदिर की तुम सेवा करते हो वो मंदिर से बड़ा है यीशु मसीह जिसमें तुम मंदिर में अपने कुर्बानियां चढ़ाते हो मंदिर में तुम कुर्बानी चढ़ाते हो धूप जलाते हो इस मंदिर में तुम उसी के नाम की धूप जला रहे हो उसी को तुम कुर्बानियां चढ़ा रहे हो वही तुम्हारे सामने खड़ा है और कह रहा है कि जो मंदिर है तुम्हारा उससे बड़ा मैं हूं मेरी तरफ देखो मेरी सुनो पर मैं तुमसे कहता हूं यहां वो है जो मंदिर से भी बड़ा है यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं बलिदान से नहीं तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते मनुष्य का पुत्र यानी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह तो सब के दिन का भी प्रभु है हरे लोहिया यीशु मसीह शब्द के दिन का भी प्रभु है आगे चलकर देखते हैं यीशु मसीह एक दिन आराधनालय में आते हैं वो भी शब्द का दिन था और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए पूछा क्या शब्द के दिन चंगा करना उचित है यीशु ने कहा तुम में से कौन है जिसकी एक भेड़ हो एक ही भेड़ हो और वो सब के दिन गड्ढे में गिर जाए तो उसे पकड़ कर न निकाले भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है इसलिए सब के दिन भलाई करना उचित है यानी तुम्हारी भेड़ गिर जाती है तुम्हारे जानवर गिर जाते हैं गड्ढे में तुम उसे निकालते हो तुम अपने जानवरों को पानी देते हो चारा देते हो ये सब काम नहीं है क्या एक मनुष्य जो बीमार है उसे मैं शब्द के दिन चंगा ना करूं इसलिए यीशु ने कहा सबद के दिन भला करना उचित है ये नया नियम है तब उसने उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा और उसने अपना हाथ बढ़ाया फिर वो दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें यानी फरीसी लोग कानून की आड़ में उत्पात मचाने में माहिर थे कानून जानते थे अच्छी तरह से और उसमें तोड़ मरोड़ करके किस तरीके से कानून की आड़ में उत्पात मचाएं, ये वो लोग किया करते थे बजाय इसके कि कानून में उन लोगों की मदद करें उनकी सुरक्षा बताएं, उनकी रक्षा करें और उन्हें सही मार्ग पर लेकर चलें व्यवस्था के द्वारा लोगों को पाप का ज्ञान बताएं व्यवस्था से पाप की पहचान होती है तो व्यवस्था इस प्रकार से बताई जाए कि भाई देखो ये व्यवस्था मैं तुम्हें दे रहा हूं ये आचरण तुम्हारा होना चाहिए यदि तुम्हारे आचरण में कोई कमी आती है तो वो गुनाह है जैसा कि साथ में आज्ञा में दिया है मूसा ने तू व्यविचार न करना यानी व्यविचार जो मनुष्य करता है वो अपने ही विरुद्ध करता है अपनी आत्मा के विरुद्ध करता है अपने शरीर के विरुद्ध करता है इस प्रकार से यदि हम अशुद्ध कामों में आचरण में रहेंगे गंदे कामों के आचरण में रहेंगे तो निश्चित रूप से ये पाप है तो पाप की पहचान मुझे कौन दे रहा है व्यवस्था परमेश्वर की दिव्य व्यवस्था कभी बेकार नहीं है उसी ने हमें व्यवस्था दी उसी ने हमें दस आज्ञाएं दी पहली आज्ञा दी कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके न मानना क्योंकि तेरा करता तेरा बनाने वाला स्वर्ग पृथ्वी का करता मैं ही हूं इज़राइल का परमेश्वर यह मैं ही हूं मैंने ही पृथ्वी बनाई है मैंने मनुष्यों को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया है इसलिए मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके तू कभी ना मानना दूसरी आज्ञा दी कि तू किसी की सूरत या मूरत बनाकर उसकी उपासना न करना चाहे वो स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी पर हो चाहे वो पृथ्वी के नीचे पताल में हो चाहे वो मनुष्य की हो चाहे वो ईश्वर की हो चाहे वो जीव जंतु जानवरों की प्रतिमा हो हमें उसकी उपासना नहीं करना ये व्यवस्था है परमेश्वर की जो दस आज्ञाओं में से दूसरी आज्ञा है और तीसरी आज्ञा है कि तू अपने यह परमेश्वर का नाम बेफायदा मत लेना व्यर्थ में न लेना व्यर्थ में व्यर्थ में नाम लेने का अर्थ यह झूठ बोलते हैं जब लोग तो ईश्वर की कसम खाते हैं झूठ बोलने के लिए कसम का सहारा लिया जाता है परमेश्वर की कसम खाई जाती है परमेश्वर को हाजिर और नाजिर जानकर हम झूठ बोलेंगे झूठ को छुपाने की कोशिश करते हैं इसलिए कभी मत करो चौथी आज्ञा है कि तू सबत के दिन को विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना पवित्र कैसे माना जाए भले कामों से भले कामों को करके यीशु मसीह ने सबत के दिन को कैसे मानना चाहिए वो बता दिया बीमारों को चंगा करके भूखों को खाना खिला के अंधों की आंखें खोल के बहरे के कान सूखे हाथ वाले को चंगा कर देना मतलब सब भलाई के काम करना सबत के दिन उचित है घर में बैठना दस घंटे दुआ करना उतना ही काफ़ी नहीं है परमेश्वर के भवन में आकर भवन में उसके मंदिर में उसकी सेवा करना लोगों की सेवा करना भलाई के काम करना कोई बीमार है अस्पताल पहुंचाना अस्पताल में है तो उसकी सहायता करना उसके लिए प्रार्थना करना ये सब भले काम हैं इन भले कामों को करना सबद के दिन उचित है यही प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया पांचवी आज्ञा है तू अपने पिता और माता का आदर करना ताकि तू लंबी उम्र जिए आशीर्वाद है उसके साथ जब पिता और माता का बच्चे आदर करते हैं तो वो लंबी उम्र से आशीषित होते हैं छोटी उम्र नहीं होती उनकी आठवीं आज्ञा है तू खून ना करना सातवीं आज्ञा बताओ वह विचार ना करना आठवीं आज्ञा तुम बताओ आठवीं बताओ तू चोरी ना करना हाँ और नवी आज्ञा तू तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना ये है तू झूठ मत बोल आठ ने नवी आज्ञा है दसवीं आज्ञा दस बताओ कोई बताएगा बताओ दसवीं आज्ञा है नहीं आ रही नहीं याद है तू किसी चीज का लालच, लालच ना करना लालच ना करना ठीक है दसवीं आज्ञा अब दसो आज्ञा याद करो हम कभी भी पूछ सकते हैं यहाँ तुम लोग यहाँ बैठते हो दसों आज्ञा याद करो हम किसी से भी पूछ लेंगे कभी भी ध्यान रखना ठीक है ये आज्ञाएं कानून नहीं है व्यवस्था है और व्यवस्था का काम है पाप की पहचान कराना यदि हम इन आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो हम पाप करते हैं तो पाप की पहचान करने के बाद हमें समझ आनी चाहिए कि हमें इन पापों से बचना है झूठ से बचना है व्यवचार से बचना है चोरी से बचना है हर प्रकार के लालच और लोभ से बचना है न तो किसी के ज़मीन जायदाद का लोभ करना है लालच करना है न किसी की स्त्री का न गधे बैल का न किसी की गाड़ी घोड़े का लालच करना चाहिए लालच सबसे बड़ी बीमारी है और लालच सबसे बड़ा पाप है इसमें बहुत कुछ गुनाहों की फहरिस्त लगी हुई है मुसीबत में डाल देता है जहाज को डुबो देता है लालच इससे बचना है मेरा कहना है हमने जो आपको व्यवस्था की बात बताई है व्यवस्था केवल आपको पाप की पहचान कराता है पाप से छुड़ाता नहीं है पाप को छूटने की शक्ति नहीं देता पाप से बचने की शक्ति नहीं देता पाप से बचने की शक्ति केवल यीशु मसीह देता है केवल यीशु मसीह क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया था वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया था वो हमारे अधर्म के लिए कुचला गया था हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी थी ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगा था तो उसने हमारे लिए पाप की क्षमा मांगी थी हमारे लिए प्रायश्चित किया था यानी यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने, अपने अपने गुनाहों को मान लें अपना मन फिराएं और अपनी बुरी चाल को छोड़ने का प्रण करें तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करेगा क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल पुत्र को है यीशु मसीह नासरी को है यह पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह में है यह देखो मत्ती रचित सुषमाचार उसके नौ अध्याय में देखो प्रभु येशु मसीह ने वो नाव से पार गया और फिर नगर में आया और देखो कई लोग लकवे के रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए यीशु ने उनका विश्वास देखकर लकवे के रोगी से कहा पुत्र ढाढ़समान तेरे पाप क्षमा हुए पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर का है और वो पाप क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर ने अपने पुत्र में दे दिया जो हमारे वास्ते मनुष्य बन गया शरीर धारण करके हाड़ मास में आ गया 2000 साल पहले इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा ये तो परमेश्वर की निंदा करता है यानी परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो सहज क्या है यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हो यह कहना कि उठ और चल फिर परंतु इसलिए कि तुम जान लो के मनुष्य के पुत्र को यानी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है तब उसने लकवे के रोगी से कहा उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा वो अपनी घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया सोचिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य बनाकर जमीन पर भेज दिया हमारे और आपकी समानता में आ गया अब चूंकि वो परमेश्वर है आत्मा परमेश्वर है वो स्वयं परमेश्वर है जो शरीर धारण करे हुए है तो पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह को है और इसीलिए वो पृथ्वी पर आ गया तो व्यवस्था हमें पाप की पहचान कराता है लेकिन पाप से छुटकारा पाप की क्षमा देने का अधिकार यीशु मसीह में है यीशु मसीह में तेरे पाप चाहे लाल रंग के हों चाहे अर्गवानी रंग के हों हिम की तरह श्वेत हो जाएंगे यदि हम प्रभु यीशु के सामने टूटे हुए मन से उसके पास आएंगे और कहेंगे हे प्रभु मुझसे गलती हुई है मुझे क्षमा कर दे मेरे पापों को क्षमा कर मैं आगे के लिए पाप न करूंगा मुझे क्षमा कर दे यीशु मसीह तैयार है पाप क्षमा करने को यीशु मसीह तैयार है नया जीवन देने को यीशु मसी तैयार है हर प्रकार से हमें नए जिंदगी देने की शक्ति देने को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देने को यमुना नबी की किताब उसका आठ अध्याय एक व्यविचारणी स्त्री है जो फरीसियों ने पकड़ा है फरीसी और शास्त्री यीशु मसीह के पास एक व्यविचारणी स्त्री को लाते हैं और प्रभु यीशु मसीह वहां बैठकर उपदेश दे रहे हैं मंदिर के सामने तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को ले आए जो व्यवचार में पकड़ी गई थी उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा हे hey गुरु ये स्त्री व्यविचार करते पकड़ी गई है व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें अब तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है यानी प्रभु यीशु मसीह को कानून की आड़ में उत्पात मचाना चाहते थे उनके खिलाफ उन्हें फंसाना चाहते थे क्योंकि यीशु मसीह को तो अपना मिशन पता था मैं दुनिया में मनुष्यों का उद्धार करने आया हूं और मनुष्यों के उद्धार में एक ही रोड़ा है वह उनके पाप उनके गुनाह, उनके बाप दादाओं के पाप उस पहले आदम के पाप अगर कोई क्षमा कर सकता है इन सबके पाप तो मैं ही कर सकता हूं इसलिए यीशु मसीह अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें क्या करना है और फरीसी लोग भी जानते थे कि इनकी सेवा में क्षमा है इनकी सेवा में नया जीवन है और ये फिर एक मौका देंगे इस स्त्री को जिंदा रहने के लिए कहेंगे इसके पाप क्षमा कर दो और हमें मौका मिल जाएगा कि यीशु मसीह ने मूसा की शरीयत को तोड़ दिया है तब हम इनको दंड देने लगेंगे इनके खिलाफ कानून मुकदमा चलाएंगे, ये उनका विचार था यीशु मसीह ने उनसे कहा यह परखने के लिए उनसे कह रहे हैं ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए परंतु यीशु मसीह झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे और फिर झुककर भूमि पर लिखने लगा परंतु ये सुनकर के बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं खड़ी रह गई यीशु ने सीधे होकर पूछा हे hey, नारी वे कहाँ गए क्या तुझ पर दंड की आज्ञा न दी उसने कहा हे hey, प्रभु किसी ने नहीं यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता जा और पाप मत करना मौत के मुंह से निकली है पाप का दंड मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है ये औरत नई जिंदगी पा गई एक नया जीवन पा गई यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा नहीं तो इसे पत्थर से वो शास्त्री वो फरीसी लोग वो व्यवस्थापक उसे पत्थरों से मार डालते सोचिए पाप का दंड तो मृत्यु है आज नहीं तो कल ये दंड अनंत मृत्यु भी है अनंत काल की मृत्यु भी है यानी परमेश्वर जब दंड देगा जब न्याय करेगा पूरे पाप का हिसाब किताब जो कुछ हमने भला और बुरा शरीर में किया है उसका हिसाब हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने देना पड़ेगा और इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए अपने विवेक को सीधा करो अपने विवेक को शुद्ध करो मन सीधा करो टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और परमेश्वर टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता यह औरत टूट गई थी उसे मालूम था कि उसे पत्थर से मार डालेंगे पत्थराव करके मार देंगे लेकिन उस वक्त क्या हुआ परमेश्वर का आत्मा उन सब को कायल कर दिया उन पत्थर मारने वालों को कायल कर दिया और यीशु मसीह ने उन्हें दिखा दिया उनकी आत्मा में उन्हें दिखा दिया कि तुम उससे कम पापी नहीं हो इस औरत से पापी नहीं कम पापी नहीं हो तुम निष्पाप नहीं हो इसलिए तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इस औरत में पत्थर मारने का मेरे प्रियो बच्चों प्रभु यीशु मसीह बचाने आया है मारने नहीं आया है लेकिन न्याय का दिन मुकर्र है न्याय का दिन फिक्स है उस दिन न्याय होगा जिंदों का मुर्दों का दोनों का न्याय होगा लोग सोचते हैं कि भाई यहां जो चाहे कर लो सत्तर अस्सी नब्बे साल के बाद सौ साल के बाद आप मरी जाओगे सभी लोग मरते हैं भले बुरे सब मर जाएंगे गाड़ दिए जाएंगे जला दिए जाएंगे समुद्र में डाल दिए जाएंगे नदियों में फेंक दिए जाएंगे जो भी हो लेकिन बाइबल ये कह रही है बाइबल परमेश्वर का वचन है वो कहता है नदियां अपने मुर्दों को निकाल देंगी उगल देंगी समुद्र अपने मुर्दों को बाहर कर देगा पृथ्वी अपने मुर्दों को उगल देगी जिस दिन यीशु मसीह के आने की पुकार लगेगी कि देखो मसीहा दोबारा आ गया है और उस समय मसीहा बचाने नहीं न्याय करने आएगा और अपने राज्य की परमानेंट स्थापना करेगा पृथ्वी के ऊपर और यरूशलेम से लेकर पूरी दुनिया में मसीह का राज्य होगा यीशु मसीह का राज्य होगा एकमात्र वही राजा होगा पृथ्वी पर क्योंकि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर स्थापित करने की योजना केवल यीशु मसीह को दी गई है परमेश्वर ने पूरे तरीके से उस राज्य का इंतजाम कर दिया है आप मानिए या न मानिए हम तो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं हम किसी रिलीजन का प्रचार नहीं करते हम परमेश्वर के राज्य के आने की बात करते हैं क्योंकि वो आने वाला है और आकर एक ही काम करेगा जिंदा और मुर्दों का न्याय करेगा और उस वक़्त हर आदमी उसके सामने बेजुबान हो जाएगा बोल नहीं सकेगा क्योंकि उसे सब पता है जो कुछ हमारे हाथों ने किया है जो कुछ हमारे दिलो दिमाग ने किया है जो कुछ हमने अपने मन में सोचा है अच्छे और बुरे काम सब का हिसाब यीशु के सामने दुनिया को देना पड़ेगा तब बकरी और भेड़ें अलग की जाएंगी और बकरियाँ उस नरक के कुंड में यानी जो लोग बुरे कामों से भरे हुए हैं जिन्होंने अपने मन नहीं फिराए जिन्होंने पछतावा नहीं किया जिन्होंने यीशु मसीह से अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी वो उस अनंत आग के भागी होंगे जिसमें शैतान और उसके फरिश्ते डाले जाएंगे और वो लोग जिन्होंने अपना मन फिराया है और प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों की क्षमा मांग ली है वो नई जिंदगी पाएंगे वो हमेशा की जिंदगी के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे आपको कहाँ जाना है ये आज आपको निश्चय करना है ये निर्णय आपको लेना है कि परमेश्वर के राज्य में जाना है या फिर शैतान उसके फरिश्तों के साथ दुनिया के अंत में उस दंड को भोगना है ये निर्णय केवल मनुष्य को करना है परमेश्वर को नहीं परमेश्वर ने तो अपना पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए परमेश्वर ने आपसे और हमसे प्रेम किया है वो प्रेम परमेश्वर का कम नहीं हुआ है वो आपसे मोहब्बत करता है आइए हम प्रार्थना करेंगे अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे हमारे साथ दुआ करें बोले हे hey, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में मेरे लिए भेजा ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए हम यीशु मसीह को अपना प्रभु अपना मुक्तिदाता उद्धार करता एकमात्र मार्ग ईश्वर ग्रहण करते हैं हे hey प्रभु यीशु, मेरे हृदय में आइए और मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए मैं एक पापी मनुष्य हूँ मुझे शुद्ध करिए अपने उस लहू से जो आपने 2000 साल पहले कलवरी के क्रूज पर वहा था वो लहू मेरे दिलो दिमाग में छिड़क दीजिए मैं एक नया मनुष्य बनू और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाऊं आमीन जय यीशु